हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आप सब कैसे हो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज मैं बहुत ही सिंपल खाना बनाने वाली हूँ। रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ यह समझ में नहीं आता, तो इस तरह का खाना आप बनाएंगे तो इसे आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। घर के लिए भी बहुत ही टेस्टी खाना बन के ये रेडी होता है। तो यहाँ पर ये मिर्चियाँ हैं, इस तरह की बाज़ार में बहुत सारी मिर्चियाँ मिलती हैं। इस तरह की जो वैरायटी होती है, इस तरह की मिर्चियाँ लाना है और इनको ना भरवा मिर्ची बनाया जाता है। तो उसके लिए, भरवा मिर्ची बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने कट करके ले लिया है, मिर्चियों को कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ ऑयल गरम कर लिया है, ऑयल में जीरा डालना है और थोड़ा सा अजवाइन डालना है और सौंफ डालना है। अजवाइन डालना है क्योंकि बेसन इसमें डलेगा, तो इसलिए अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा पाचन क्रिया अच्छा बना रहे। ओके, तो तीनों चीज़ें, सौंफ, जीरा और अजवाइन, भुनने के बाद इसमें बेसन डाल लेना है और 4 से 5 मिनट हमें इस बेसन को लो फ्लेम पर भून लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लीजिए और 4 से 5 मिनट में बहुत ही अच्छे से हमारा ये बेसन भुनकर रेडी हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से लगातार चलाते रहिए और इसमें ज़्यादा कोई मसाले नहीं डालना है। तो ये देखिए, 2-3 मिनट भुनने के बाद इस तरह से कलर चेंज हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी और मिर्ची और रेड चिली पाउडर ये डाल लेना है हमें। और इसके अलावा इसमें हमने अभी कुछ भी नहीं डालना है। और आप अच्छे से 2 मिनट और भून लीजिए, तो बहुत अच्छे से हमारे मसाले भुन जाते हैं बेसन के साथ में। और लास्ट में नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना है। तो चलिए, अब हमारा बेसन भून चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसे आप अगर चाहें तो ठंडा करने रख दीजिए, अगर आप गरम गरम भरना चाहें तो वो भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने लिया है भुना हुआ जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा लिया है और आधा नींबू लिया है, थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए। इसमें थोड़ा सा खट्टा डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी हमारी ये मिर्ची बनकर रेडी होती हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप अगर चाट मसाला वगैरह डालना चाहें तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरह से मिक्स करने के बाद हमें सारी मिर्चियों में अच्छे से इस बेसन को भर लेना है, मसाले वाले बेसन को भर लेना है। अच्छे से भरिए। और यहाँ पर मैंने ना मिर्चियों के अंदर जो बीज रहते हैं, सीड्स रहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं निकाले हैं। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते, लेकिन मुझे नहीं निकालना था क्योंकि इनमें कोई तीखापन ज़्यादा नहीं होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इसलिए हमने इसके बीज नहीं निकाले थे। और इसी तरह से हमने सारी मिर्चियों में इस मसाले को भर दिया था और अच्छे से इस तरह से बंद कर देना है। एकदम से बंद नहीं होती, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसाला नहीं निकलता है। और यहाँ पर हमने ऑयल गरम कर लिया है, यहाँ पर हमने मीडियम ऑयल गरम किया है। एकदम से हाई में डालेंगे तो क्या होगा, मिर्ची एकदम से जल जाएगी। तो मीडियम ऑयल गरम करने के बाद इस तरह से मिर्चियों को रख देना है और 8 से 10 मिनट तक के लिए ढक के इन्हें पका लीजिए। और 2-2 मिनट में आप इन्हें अलटते पलटते ज़रूर रहिए, ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा मिर्चियों में थोड़ा इधर उधर कर दिया है, जिससे थोड़ा पूरे में ऑयल लग जाए इनमें। तो इस तरह से 2 मिनट के लिए ढक के रख देना है। आपको 2-2 मिनट में हर बार चेक करके पलटते रहना है, जिससे हमारी मिर्ची सभी तरफ से अच्छे से सिक सकें। तो ये देखिए, 2 मिनट बाद एक साइड में सिक गई थी ना, तो दूसरी साइड में इस तरह से पलट के रख दिया है। और यहाँ पर पलटने में थोड़ी सी परेशानी होती है, मतलब अच्छे से नहीं पलटी जाती, तो क्या करना है आपको, स्पून ले लेना है, स्पून की मदद से पलट लेना है। तो जब तक हमारी मिर्ची अभी पक रही थी, तब तक यहाँ पर हम सब्जी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। तो यहाँ पर लहसुन मिर्ची कट कर लिया है और मैं मिर्चियों को ना इसी तरह से 3-3, 4-4 मिर्ची एक साथ में रख के कट करती हूँ, जिससे हमारी मिर्ची बहुत जल्दी कट जाती है। और इसी तरह से लहसुन को कट करती हूँ। और यहाँ पर अब
क्या टमाटर को भी कट कर लिया है। और इस रेसिपी में मैं प्याज बिल्कुल नहीं डालती हूँ, तो प्याज तो बिल्कुल स्किप मैं करती हूँ, अगर आप डालते हैं तो डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से स्पून की मदद से हमें मिर्चियों को अलटते पलटते रहना है। इससे क्या होगा ना, स्पून की मदद से बहुत ही अच्छे से हमारी मिर्चियाँ पलट के रेडी हो जाती हैं। और गैस आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लग रही है, हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी 8 से 10 मिनट में मिर्चियाँ पक के रेडी हो चुकी हैं और बहुत ही अच्छे से ये पक चुकी है। अब क्या करना है, अब इन्हें निकाल लेना है। ओके, तो इस तरह से निकाल के अलग रख दीजिए। और आप अगर चाहें तो ऊपर से धनिए की गार्निश भी कर सकते हैं। तो उसी कढ़ाई में हमने अब ऑयल लिया है और जीरा डाल के इसमें सब्जी बना लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर हमें बर्तन भी ज़्यादा नहीं लगेंगे, बर्तन भी ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे, बिगड़ेंगे नहीं, और हमारे कमी बर्तनों में सारा खाना बन के रेडी हो जाता है। तो जब तक हमारी वो मिर्ची बन रही थी तब तक हमने सब्जी की प्रिपरेशन कर ली थी, जिससे मिर्ची जब तक बनी तब तक हमारी सब्जी कट के रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पर लहसुन डाल लेना है सबसे पहले। लहसुन अच्छे से भुनने के बाद मिर्ची डाल लेना है और फिर टमाटर को डाल देना है। और यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल लेना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए यहाँ पर। और नमक डाल के 2 मिनट के लिए अच्छे से पकने दीजिए। टमाटर अच्छे से पकने के बाद यहाँ पर आप आलू डाल सकते हैं, या फिर पहले मसाला डालना चाहें तो मसाला भी डाल सकते हैं। मसाले में यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर और हल्दी ही लिया है और कुछ नहीं लिया, मिर्ची नहीं ली है। मतलब मिर्ची इसलिए नहीं ली है क्योंकि हमने काफ़ी सारी मिर्ची हरी डाली थी, और इस तरह की सब्ज़ी में मैं हरी मिर्ची ही ज़्यादा डालती हूँ, रेड चिली पाउडर वगैरह कम ही डालती हूँ। तो मसाला भी पकने के बाद यहाँ पर हमने आलू डाल दिया है, और यहाँ पर आलू और मेथी की सब्ज़ी बन रही थी तो यहाँ पर लास्ट में मेथी भी हमने डाल दी थी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सेकेंड भुनने के बाद मेथी बहुत ही जल्दी कम हो जाती है, और उसके बाद ढककर रख दीजिए। और 8 से 10 मिनट में बहुत ही जल्दी हमारी ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाती है। तो आज कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं क्या बनाऊं, तो जब कभी जल्दी में होते हैं तो इस तरह से आप खाना बना सकते हैं। जल्दी नहीं या फिर कुछ ना हो तो इस तरह से सिंपल सा खाना बनाकर भी आप टिफ़िन बॉक्स में रख सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और वैसे भी आजकल लंच बॉक्स में स्कूल के लिए ज़्यादा ऑयली वगैरह उस तरह का खाना ले जाना मना है, तो इस तरह से आप सब्जी हरी सब्जियों का इस तरह से खाना लंच बॉक्स में रख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट पकने के बाद थोड़ा सा कच्चा सा था तो और थोड़ा सा पकने दिया। 8 से 10 मिनट पकने, बहुत अच्छे से 8 से 10 मिनट में हमारी सब्जी बनकर रेडी हो जाती है। और ये देखिए आलूओं को दबा कर देख रहे हैं तो हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी थी। और यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे पालक मेथी इस तरह की हरी सब्जियाँ होती हैं ना, तो उनको मैं पहले ही कट करके रख देती हूँ, क्योंकि इनमें ना कट करने में बहुत टाइम लगता है, पहले ख़राब होती हैं तो उनको छांटना करना होता है, तो पहले ही रख दीजिए कट करके, तो बहुत जल्दी हमारा खाना भी पक जाता है। तो लगे हाथों यहाँ पर हमारी रोटियाँ भी बन चुकी थी। और गैस एक बार मैं आपको फिर से बोलती हूँ कि अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। और कमेंट करके ज़रूर जाना कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी, आज का छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय बाय। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।